पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर जनपद में गठबंधन को तगड़ा झटका बसपा के कद्दावर नेता पंडित देवेंद्र भारद्वाज ने बसपा को दिया है। बसपा को बाय बाय करके सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष हिमांशु मित्तल ने पार्टी कार्यालय गंगानगर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। देवेंद्र भारद्वाज ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। बुलंदशहर अनुपशहर विधानसभा के जालौर गांव के रहने वाले देवेंद्र भारद्वाज प्रॉपर्टी डीलिंग का नोएडा गाजियाबाद में काम करते थे और बसपा में अच्छी पकड़ रखने वाले ये नेता हैं। 2004 में ये लोकसभा चुनाव बुलंदशहर से लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2012 में डिवाई विधानसभा से बसपा से चुनाव लड़े थे। कल्याण सिंह के सामने चुनाव लड़े थे, तब भी हार गए। भैया मैं तो अभी पार्टी की सेवा जनसेवा करने के लिए आया हूँ और आगामी लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसी संघर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए मैं पार्टी ज्वाइन की। बीएसपी से मोह भंग क्यों हुआ? बीएसपी से मोह भंग माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली समझे आपका या उनका जो भी कार्य करने की पद्धति है उससे प्रभावित होकर के मैं किसी से रुष्ट नहीं हूँ। भाजपा से प्रसन्न हूँ, भाजपा के कार्यों से प्रसन्न हूँ, इसी वजह से मैं भाजपा में। 60-60 लाख रुपए का एक खाती खड़ा कर दिया जो बोलता है नहलता है। देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पत्रकार बंधुओं। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप अपने इस भाई को समय समय पर सहयोग देते रहें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आप कार्य करते रहे, इसलिए मैं आपसे यही क्षमा चाहते हुए कि आप